दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर जो तीन राक्षस कार्य और कैप्टेंसी के लिए जो कार्य चल रहा है वो बेहद ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल होने वाला है। घर के अंदर एक प्लेट टूट चुकी है जो खेसारी लाल यादव की है। आपको फटाफट से बता देते हैं कि क्या होने वाला है टास्क। दरअसल घर में सुरंग बनाई गई है जिसमें तीन राक्षस रहते हैं, बाकी घर वाले बने हैं गांव वाले, और साथ ही साथ शेफाली बनी है संचालक। बजर बजेगा और तीनों राक्षसों का जो भी उनके खिलाफ जाना चाहता है वो उनका रास्ता रोक सकता है। जो भी राक्षस अगले बजर बजने पर सबसे पहले बाहर आता है तो वो एक प्लेट उठाकर उसे तोड़ देगा। प्लेट पर फोटो लगी हुई है, जिस भी फोटो का प्लेट वो तोड़ देगा वो कैप्टनसी की रेस से बाहर हो जाएगा। अब घर के अंदर कल हमें देखने को मिलने वाला है शेफाली वर्सेस माहिरा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर माहिरा पहले धक्का देती हुई नज़र आएंगी शेफाली को और उसके बाद शेफाली वापस धक्का देंगी, और इसके बाद माहिरा उल्टा ये कहती हुई नज़र आ रही है कि मुझे धक्का मत दो, और ये वॉयलेंस बिग बॉस के घर में अलाउड नहीं है। पहली बात तो माहिरा पहले खुद जाकर पंगा लेती हैं, पहले खुद धक्का मुक्की करती हैं और उसके बाद ये चीज़ कहती हैं जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर शेफाली अपना स्टैंड लेंगे और कहेंगे कि तुमने पहले धक्का दिया इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दिया, अब तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था और इसलिए मैं तुम्हें धक्का दे रही हूँ, और फालतू में यहाँ पर फिजिकल होने की ज़रूरत नहीं है। अब घर के अंदर वो संचालक हैं तो वो अपनी बात रखेंगी ही, और माहिरा उन्हें धक्का देकर ये साबित कर रही हैं कि घर के अंदर एग्रेसिव असलियत में है कौन, सिद्धार्थ शुक्ला है या फिर वो। अब माहिरा अब शेफाली के पीछे पड़ चुकी है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें खेलो खेलो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बिग बॉस से जुड़ी आपको हर खबर यहीं पर मिलती है सबसे पहले।